ਗੁਰਵੇ ਅਖੰਡ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਵਿਆਪਤਮ ਯੇਨ ਚਰਾਚਰਮ ਤਤ ਪਦਮ ਦਰਸ਼ਿਤਮ ਯੇਨ ਤਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਯ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨਾਯ ਨੰਦ ਗੋਪ ਕੁਮਾਰਾਯ ਗੋਵਿੰਦਾਯ ਨਮੋ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਆਈਏ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਕ ਮਨ ਔਰ ਬਾਣੀ ਕੋ ਪਵਿੱਤ ਕਰੇ। ਆਜ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਾ ਅੰਤਿਮ ਦਿਵਸ ਸਵਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨੋਯੋਗ ਸੇ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੇ। कथा शुभारंभ करें उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें दो मिनट, तत्पश्चात सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन की कथा में आप सभी लोग प्रवेश करें। आइए आइए सर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ अच्युतम केशव ਭਗਵਾਨ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਵੀਰਾ
के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते अच्युतम के सर्वम कृष्ण दामोदर, अच्युतम के सर्वम कृष्ण दामोदर। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान खाते नहीं, कहते हैं भगवान खाते नहीं। मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम के सर्वम कृष्ण दामोदर, अच्युतम के सर्वम कृष्ण दामोदर। शैवम कृष्ण दामोदर, अच्युतम के शैवम कृष्ण दामोदर। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। Thank you.
भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभ, राम नारायण जानकी जब मीरा की तरह और सबरी की तरह आप भाव से बुलाओगे तो वो भगवान जरूर आपके घर आ जाए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम सब पीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, पीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। जय जय श्री
श्री श्री सरस्वती पर मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़द्युत विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण महाप्रभु की श्री बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति सत्संग का आज सप्तम दिवस शुभारंभ हो रहा है। कल सायंकालीन बेला में आप चर्चा श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। आचार्य सुखदेव ने कहा परीक्षित आज रुक्मणी के प्रथम पुत्र हुआ उस बालक का नाम रखा प्रद्युम्न और प्रद्युम्न की उम्र मात्र 6 ही दिन की थी कि एक संबासर नाम का दैत्य आया सुतिका ग्रह से शिशु को उठाया और समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में मछलियां रहते थे और इस शिशु को मछली निगल गई और मछली को जब मछुआरे ने पकड़ा तो पकड़ने के साथ ही उसको शंबासुर की रसोई में पकाने के लिए दिया और वहां एक महिला भोजन बनाती थी और उस युवती ने मछली को बीच से फाड़ा और उसके गर्भ से एक सर्वांग सुंदर शिशु जन्म लिया। और भागवत में लिखा आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित इस देवी ने सोचा कि मेरे पास कोई बालक भी नहीं था और कितना सुंदर ये शिशु मुझे प्राप्त हुआ है और इसको मैं अपना समझूंगी। और भागवत में लिखा कि जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो एक दिन देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद ने कहा देवी जी आप जानती हो ये कौन है। उस देवी ने कहा नारद जी मछली से प्राप्त हुआ था अपना समझा है इतना जानती हूं। अभी तक इस बच्चे पर इस युवती को कोई संदेह नहीं था लेकिन नारदो कथयत सर्वम तस्याह शंकित चेतशाह। जब देव ऋषि नारद ने प्रश्न किया कि ये कौन है तब महसूस होने लगा कुछ तो है। तब पूछा कि देवी ने पूछा कि आप बताइए कि नारद जी ये कौन है। आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित देवऋषि नारद ने कहा तुम रति हो ये कामदेव है और तुम्हारा पति है। इस देवी को आश्चर्य हुआ ये मेरा पति कैसे हो सकता है। अचानक किसी से कहा जाए कि भाई तुम्हारा पति है तो आदमी विश्वास नहीं करेगा। तब देवऋषि नारद ने वृतांत सुनाया और कहा कि देवी जब भगवान शंकर की पत्नी सती जलकर के यज्ञ में भस्म हो गई थी तो शिव तो समाधि में डूब गए थे और शिव ने 87,000 वर्ष तक समाधि को लगाया। आचार्य सुखदेव ने कहा इंद्र विचलित हो गए और इंद्र ने कामदेव को प्रेरित करके कहा कि शिव की समाधि को तोड़ो और इंद्र ने आकर के जब प्रेरित किया और कामदेव आया और शिव को समाधि को विघ्न करना चाहता था
तो शिव ने दो नेत्रों को बंद करके रखा और शिव ने तृतीय नेत्र खोला और शिव का एक विशेष नामकरण हुआ त्रिलोचन, एक विशेष नामकरण हुआ त्र्यंबकेश्वर। कभी गए आप लोग त्र्यंबकेश्वर? आप गए? त्र्यंबकेश्वर भगवान की स्थापना कब हुई? जब भगवान शिव ने तृतीय नेत्र खोला। आप लोग जो महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं तो उसमें भी तो नाम आता है ना, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। भगवान शिव का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा, त्रिलोचन पड़ा, और जैसे शिव ने तृतीय नेत्र को खोला तो कामदेव जलकर के भस्म हो गया। भोगी तो भयभीत हो गए और योगी तो निर्भीक हो गए। सारे गृहस्थी लोग मिलकर के भगवान शंकर के पास पहुंच गए, बाबा तुमने तो कामदेव को जला दिया, सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, मैंने कामदेव को नहीं जलाया बाबा, तो किसको जलाया? बोले कामदेव के शरीर को जलाया, सशरीर। कामदेव न देवताओं में विद्यमान होगा न सृष्टि में विद्यमान होगा, शरीर में प्रवेश करने के साथ भी ये दिखाई नहीं पड़ेगा। कामदेव का प्रवेश, रति आई, रति ने कहा बाबा आपने तो मेरे पति को जला दिया। भगवान शिव ने कहा मैंने नहीं जलाया। तो फिर बोले मैंने तो सिर्फ देखा था कि कौन आया है, चित्वत। चित्वत शब्द का अर्थ है 1/4 आंख से देखा था, अरे कौन आया है, और वो जल गया तो मैं क्या करूं। और बहुत स्पष्ट है, जब तक साधना का तृतीय नेत्र नहीं खुलेगा तब तक कामदेव समाप्त तो नहीं हो सकता। आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, आज रति ने कहा कि मेरे पति को वापस करो, तब कहा कि देखो देवी, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामहि भारा, जब यदुवंश में श्री हरि अवतार लेंगे तो आपका जो पति होगा कृष्ण तनय, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, मींस कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा, तनय मींस पुत्र होगा, वो तुम्हारा पति होगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। और उस युवती ने कहा बाबा मैं पहचानूंगी कैसे कि मेरा पति है? भगवान शंकर ने कहा बाबा कोई चिंता मत करो, खुद मिल जाएगा, और मिलने वाले लोग तो मिल ही जाते हैं। प्यार से बोलो, इस संसार में विवाह के लिए शादी के लिए कोई ऐसा प्रयास करना नहीं चाहिए व्यक्ति को। आज लोग अपना सब कुछ काम छोड़ करके उसके पीछे पड़े, अरे भाई आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो, सारे लोग आप पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। हमें किसी को नहीं देखना, हम ऐसा कुछ करेंगे कि लोग हमको खुद खोजना शुरू कर दें, हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो, वो टैलेंट डेवलप हो कि लोग हमको तलाशें, हम किसी को नहीं तलाशेंगे। प्यार से बोलो, मेरे एक बहुत अच्छा एक रूल है, हम उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते जो संसार में स्वाभाविक मिलने वाला हो। और मैं जब मैं पढ़ता था तो मेरा रूल नियम था कि जब पढ़ना है तो पढ़ूंगा और जब मुझे नहीं पढ़ना है तो किताब खोल के मैं नहीं बैठूंगा। माँ चिल्ला ले पिता चिल्ला ले मुझे मत, जिस समय पढ़ूंगा तो पूरे ध्यान के साथ पढ़ूंगा, एनर्जी के साथ पढ़ूंगा। मैं आपको भागवत सुना रहा हूं, एनर्जी के साथ सुनाऊंगा, और मुझे लगता है कि अब आपका पात्र नहीं लग रहे मेरे को तो फिर मैं टाइम पास करना शुरू कर दूंगा, अपना टाइम देखूंगा ऑफ कर दूंगा। प्यार से बोलो, तो जो व्यक्ति संसार में अपने ध्यान केंद्र पर हो, केंद्र में जिसका ध्यान है वही व्यक्ति इस दुनिया में सफल हो सकता है। अर्जुन का ध्यान मछली पर,
नहीं था, मछली की आंख पर था। बाकी सबका ध्यान पेड़ पर था, मछली पर था, पड़ोस में बैठे राजाओं के ऊपर ध्यान जा रहा था, कभी कभी द्रौपदी को देख लिया करता था। तब कहा कि अब तुम्हें मिलने वाली नहीं है। जैसी द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन क्या दिखा, क्या तुम्हें राजा बैठे हैं वो दिखे? बोले साहब बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें मछली तेल के अंदर कढ़ाई में है, क्या कढ़ाया दिख रहा है? बोले नहीं साहब। क्या कढ़ाई में तेल दिखा? बोले नहीं। तो क्या दिखा? मछली। बोले नहीं। क्या दिखी? बोले मछली की आंख। बोले मार तीर। और बुद्धिमान वही है जो निशाने पर तीर मारता है। प्यार से बोलो। तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारा ध्यान केंद्रित हो, और जब तक हम केंद्रित नहीं हैं तब तक जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। आप ये समझ लें। अच्छा, भागवत क्यों सुनते हैं? सुनो और पुण्य कमाओ और चले जाओ ना। भागवत तो एक एक पंक्ति में आपको कुछ शिक्षा के लिए है कि हम इससे क्या सीखें। आजकल लोग भागवत सुने, सिर हिलाए, आरती के प्रसाद लिए चले गए। ये कोई भागवत का मायने नहीं है। भागवत की कथाएं, जो घटित घटनाएं हैं, वो हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकती हैं, हमें इसको ध्यान देना है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। आज नाश्ता कमजोर लग रहा है, आज नहीं किया, तभी आपकी आवाज नहीं आ रही आज, ये कल ज्यादा आती थी इधर से। प्यार से बोलो। तो मैं आपसे ये कह रहा था, लोग कहते हैं कि पैसा हो तो मैं कुछ काम करूं, लेकिन पैसा कहता है कि तू कुछ करे तो मैं आऊं। पैसा ने क्या कहा? तू कुछ करे तो मैं आऊं। लेकिन लोग कहते हैं पैसा हो तो मैं काम करूं। पैसे ने स्पष्ट कहा, तू जब कुछ करेगा मैं तब आऊंगा, और नहीं करेगा तो जो है मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कि लक्ष्मी का नाम एक चंचला है, चंचला शब्द का अर्थ है स्थिर न रहने वाली। प्यार से बोलो। आगे बढ़ो। आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, आज रति ने कहा ठीक है बाबा, और भागवत में लिखा कि कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न मछली से प्राप्त इस रति को हुआ, और बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे मेरा पति घर में मिल गया। नहीं तो खोजने जाना पड़ता है ना कई बार। प्यार से बोलो। आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, कृष्ण का जब समाचार मिला प्रद्युम्न की वापसी का द्वारिका में, तो कृष्ण का तो प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा कि जो शिशु 6 दिन का गया हो और 26 वर्ष का आया हो। बोलो, पार्टी तो बनती है भाई, बनती है कि नहीं? भगवान कृष्ण ने पूरे द्वारिका के लोगों को आज भोज का आयोजन किया, और प्रसन्नता ये थी शपतनीक आया था। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि कृष्ण के पुत्र की शादी की चर्चा सिर्फ प्रद्युम्न की ही भागवत में है, और चर्चा भागवत में नहीं है। एक पुत्र की और एक पौत्र की। पौत्र मीन्स, पौत्र कौन था कृष्ण का? पड़ोसी। कृष्ण का पौत्र था अनिरुद्ध, जो प्रद्युम्न का पुत्र था। इसकी शादी की चर्चा भागवत में है, बाकी और चर्चा भागवत में नहीं है। कि इतने पुत्रों की शादी की चर्चा भागवत में होगी तो फिर 7 दिन में कहां होगा? बोले बाप निपटे तो बेटा की शुरू हो। प्यार से बोलो। कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मणी के साथ हुआ, और कृष्ण का द्वितीय विवाह भालू की बेटी जाम्बुवती के साथ हुआ। परीक्षित ने कहा, जाम्बती,
भालू की बेटी? हाँ, प्रासंगिक नहीं। भाई कहाँ भालू, कहाँ जाम्बवती, कहाँ कृष्ण? नहीं, प्रासंगिक नहीं। आप मुझे बताइए स्वामी जी कि कृष्ण का द्वितीय विवाह भालू की बेटी जाम्बवती के साथ कैसे हुआ? और भागवत में लिखा कि आसीत 17 जितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखः। आसीत माने था। एक कौन सा प्रयोग है? भूतकालिक। आसीत माने था एक शत्राजित नाम का व्यक्ति द्वारिका में, और ये भगवान सूर्य का परम भक्त था, और सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के श्यमंतक मणि का दान दिया था। इस मणि की क्या विशेषता थी कि नित्य कोई पूजन करता है तो 8 भार स्वर्ण देती है। 8 भार मीन्स तकरीबन 40 किलो सोना। अब तो हर दिन पूजा करता है सोना पा लेता है, पूजा करता है सोना पा लेता है। एक दिन मणि को गले में पहना और कृष्ण से मिलने गया। सतम बिभ्रन मणिम कंठे ब्राज मानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारिकाम रेजस तेजशाम नोपलक्षिता। भागवत में लिखा जब गले में मणि को पहना ना तो कैसा लगा, जैसे सूर्य देव स्वयं चलकर के आ रहे हो, इतना वो प्रकाशित हो रहा था। तब कहा भगवान कृष्ण ने कि वो सूर्य देव नहीं, सूर्य के द्वारा प्रदत्त मणि को धारण किया है, इसलिए वो प्रतीत हो रहा है सूर्य के जैसा। भगवान कृष्ण ने कहा अरे सत्राजित, इस मणि से तो सोना निकलता है। एक बात बताऊं, हर दिन जब आता था ना वो तो चरणों में बैठता था, और आज जब आया ना तो भगवान के समानांतर बैठ गया। जब पैसा बढ़ता है ना, पैसा पद प्रतिष्ठा संपत्ति संपन्नता, तो व्यक्ति बुजुर्गों का सम्मान भूल जाते हैं, यहां तक कि भगवान को भी भूल जाते हैं, और पैसे को अपने परिश्रम का फल मान लेते हैं, परिश्रम का फल। लेकिन याद रखना, पैसा परिश्रम का फल नहीं होता। भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। हमारा शास्त्र कहता है कि जब भाग्य फलीभूत होता है तो ना पैसा काम आता है ना पुरुषार्थ काम आता है। भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। जब भाग्य आपका जागेगा ना तो ना पैसा काम आएगा ना पुरुषार्थ काम आएगा। कुछ ना करोगे गड्डी बढ़ती चली जाएगी घर में, प्यार से बोलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परिश्रम ना करें, नहीं तो रुकेगा नहीं फिर वो। सबको पैसा कमाने के बाद रोकना नहीं आता, और जो अच्छे से रोक पाएगा वो बनिया होता है। हाँ, बनिया शब्द का अर्थ है सिर्फ बने, बिगड़े नहीं। प्यार से बोलो, बनिया शब्द का अर्थ है सिर्फ बने, बिगड़े नहीं। वैश्य का अर्थ है, देखो मैं आपको बता दूं, यदि असंतुष्टा द्विजा नष्टा, यदि ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा, और वैश्य धन कमाने में संतुष्ट हो गया तो वो नष्ट हो जाएगा। जीवन के अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ करने का विचार करता रहे। एक व्यक्ति ने कहा महाराज, ये बनिया लोग पैसे वाले क्यों होते हैं, हम लोग क्यों नहीं होते? लोग कहते हैं, मैंने कहा जिस दिन तुम्हारी प्रवृत्ति देने की हो जाएगी, दान की हो जाएगी, तो लक्ष्मी आपके यहां आना शुरू कर देगी। प्यार से बोलो, वैश्य लोग संतुष्ट नहीं होना चाहिए पैसा कमाने, और ब्राह्मण को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सब कुछ होने के बाद जिसने पैसा को पचाना जान लिया
वो व्यक्ति पैसा को रोक सकता है। ब्राह्मणों को पैसा रोकना नहीं आता, वो तुरंत खर्च करते, हमको भी दे दो कल खर्च कर देंगे, हमें कोई पैसे का गम नहीं, हमको पता है कि रखना बेकार है, खाओ पियो स्वाद लो खत्म करो। प्यार से बोला, हमारे यहाँ पैसा कभी गिना नहीं जाता, मैं आपको बता दूं, जैसे आता है गौशाला को चला गया, आश्रम को चला गया, वृंदावन आश्रम में उसको चला गया, स्टाफ को चला गया, मैनेजर को चला गया, अगले महीना फिर देखेंगे कहाँ से आएगा। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। श्रीमद् भागवत में लिखा, आज श्री कृष्ण ने कहा, इस मणि का तुम क्या करने वाले हो, सोना निकलता है इससे, इसको हमें दे दो, कोष में जमा कर दो, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। तब कहा कृष्ण, तपस्या हमने की मणि आपको दे, नहीं हो सकता। तब कहा कोई बात नहीं, थैंक्स, मैं आपको एक ऑनली सलाह दिया था, ओके प्लीज गो, चला गया। इसका जो भाई था ना प्रसेन, उसने कृष्ण को सुना और भाई से कहा, इस मणि को मैं पहन लूं। तमेकता मणिम कंठे ब्राज मानो यथा रवि, प्रतमक्ष महाप्रभम, भागवत में लिखा इसके भाई ने मणि को धारण किया और कहां गया मणि पहन करके, प्रशैनो ही मार ही विचरत मृगयाम बने, मृगों के आखेट के लिए वन में गया, और क्या हुआ कि एक सिंह ने प्रशैन का वध कर दिया और मणि को छीन लिया, ले जा रहा था, और उधर से ऋक्षराज जांबवान आ रहा था और जांबवान ने मणि को छीना और सिंह का वध कर दिया, और इसकी जो बेटी थी ना जांबवती, उस मणि को खेलने के लिए दे दिया। अब ये बालिका क्या जाने, ये बालिका क्या जाने क्या मणि है, ये खेल रही थी बेचारी। और भागवत में लिखा, श्रीमद् भागवत में लिखा कि कृष्ण को मिथ्या आरोपित किया जांबवान ने, कि मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया और मणि को घर में रख लिया। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तो जानता तक नहीं कि कौन है प्रसेन, कौन है प्रसेन। झूठा आरोप, व्यक्ति को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है सच्चे व्यक्ति को, जब झूठा आरोप कोई लगाता है। मैं आपको, और सच्चे आरोप में तो लोग बचाव करते हैं, बस उनकी शब्दों से लगता है हाँ इधर उधर कर रहा है शब्दों को। आप झूठा आरोप लगाइए, हम बता देंगे आपको, आप उसमें एक्सप्लेन मत करना, हम बता देंगे आपको सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। प्यार से बोलो। और श्रीमद् भागवत में क्या लिखा, कृष्ण सेना को लेकर गए और श्री ठाकुर जी ने जाकर के सिंह को मरा देखा, सिंहम प्रशैनम अवधीत सिंहो जांबवतो हतः, जांबवान में गुफा में प्रवेश देखा और कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान ने जाकर के देखा तो मणि से कन्या खेल रही थी और भगवान ने जाकर मणि को छीन लिया है। एक कन्या चिल्लाई है पापा, और अंदर से ऋक्षराज जांबवान निकल के आए, श्री ठाकुर जी के साथ युद्ध हुआ है। और भागवत में लिखा 27 दिनों तक, 27 डेज कंटिन्यू, 24 आवर्स युद्ध चला, और 28वें दिन श्री कृष्ण जांबवान को परास्त कर दिया और कहा कि, जांबवान ने पूछा कि प्रभु सच बताइए आप कौन है, कृष्ण कहते हैं आप पहचान लो मैं कौन हो सकता हूं। तब जांबवान ने कहा आप साक्षात राघवेंद्र सरकार ही हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरी सबसे बड़ी धृष्टता थी कृष्ण कि मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया, मुझे सेवा करना चाहिए था, मैंने युद्ध किया, मैं आपको क्या भेंट करूं, आप तो मेरी कुटिया में आए हैं, कुछ है भी नहीं, मैं तो जंगल में रहता हूं और मेरे पास एक पुत्री है, बेटी है, उसका नाम जांबवती है और मैं चाहता हूं उसका विवाह आपके साथ कर दो, चलेगा? कृष्ण बोले चलेगा नहीं, दौड़ेगा,
प्यार से बोलो, और कृष्ण का द्वितीय विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। तब कहा कि कृष्ण ये मणि थी और मैं आपको दे रहा हूं। भगवान मणि लिए वापस आ गए और सत्राजित को बुला करके कहा कि तेरे भाई को हमने नहीं मारा, तो किसने मारा? बोले सिंहम प्रशयनम अवधीत, तेरे भाई को सिंह ने मारा। सिंहो जाम्ब बतो हता, सिंह को जाम्बवान ने मारा और जाम्बान को परास्त करके मैं मणि ला रहा हूं, ये लो अपनी मणि। शर्मिंदा हो गया और कहा गोविंद मुझे तो जानकारी नहीं थी, मैंने आपको झूठा आरोप लगा दिया और मैं आपको क्या भेंट करूं कृष्ण, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक बेटी है और मैं चाहता हूं उसका विवाह आपके साथ कर दूं, चलेगा? और कृष्ण का तृतीय विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। तब कहा कि मैं बेटी दे रहा हूं, दहेज क्या दूं? दहेज मांगना पाप है, कोई दे तो ले लेना चाहिए। प्यार से बोलो प्यार से बोलो छत्तीसगढ़ में जितने आदिवासी वहां रहते हैं, जो सवर्ण नहीं है वहां कभी भी दहेज नहीं चलता है। उड़ीसा में जितने भी आदिवासी समाज है वहां दहेज नहीं चलता है। कोंकण एरिया में जो कोंकणी आदिवासी होते हैं उनमें दहेज नहीं चलता है। और हम अपने को पढ़े लिखा बोलते हैं, हम अपने को एजुकेटेड बोलते हैं, समृद्ध समाज बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं अपने आप को हम लोग, और हमारे यहाँ लोग इसलिए बेटी जन्म नहीं देते क्योंकि शादी में 20 लाख रुपया कहां से लगाएंगे? प्यार से बोलो। हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शायद आप जानते हैं कि नहीं, लड़कियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो आज के समय आप क्या देखें? परिवार देखें, स्वभाव देखें, और परिवार को चलाने वाली महिला में परिवार के चलाने की गुणवत्ता होनी चाहिए। यदि गुणवत्ता नहीं है जीवन में तो कितना भी कोई सुंदर हो, कितना भी कोई संपन्न हो, वो तुम्हारे साथ जीवन में नहीं रह सकती। पत्नी में गुणवत्ता हो कि परिवार क्या है, तब परिवार चलेगा। बाकी मिलना जुलना, खाना पीना, ये रोज रोज थोड़ी खाते हैं लोग, वो तो कभी हो गया खा लिए पी लिए, लेकिन लंबे टाइम तक जीवन को चलाना है। घर में हम जाएं तो हमसे घर में जो सुकून महसूस हो, हम बाहर जाकर वो सुकून महसूस ना करें। हमें ऐसा आपसी प्यार होना चाहिए, इश्नी होना चाहिए। तब तो ग्रस्त का मतलब है वो उधर मुंह फुलाए पड़ा है, वो उधर मुंह फुलाए पड़ी है। तो ऐसा ग्रस्त का क्या मतलब है भाई? घर में आने से पहले आप लोग टेंशन हो रहा है, यार जाऊं तो क्या होगा, न जाऊं तो क्या होगा प्यार से बोलो ना ना, कोई बहुत सोचे कि हम साथ में रहेंगे तो बहुत प्यार होता है, ये भी सब बकवास है। साथ में तो कुत्ता भी रहते हैं, खूब झगड़ते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा जितना हम संतुलन के साथ जीवन में रहे, संतुलन के साथ, गृहस्थ आश्रम कहता है संतुलन के साथ, उतना ही जीवन में आनंद होगा। प्यार से बोलो, आनंद होना चाहिए। बहुत लंबा जीना नहीं है साहब, कब मरेंगे पता नहीं है, हर क्षण का, हर दिन का, हर वर्ष का, नए साल का आनंद लेना सीखो। पीछे का छोड़ो, आगे के विचार छोड़ो, आनंद लो। जिंदगी का सबसे अच्छा साधन है ये। प्यार से बोलो, तृतीय विवाह शक्तिभामा के साथ हुआ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। इन एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतश्रीमान युधानाधिभिर्वृता। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से मिलने गए और कुंती ने कहा, आओ कृष्ण, बहुत दिनों के बाद आए हो ना, मेरा भोजन के मैं नहीं जाने दूंगी आपको। सबसे प्यारा शुभचिंतक तुम्हारा कौन है जो तुमसे फोन में बात करते पूछे भोजन किया है कि नहीं?
वो समझ लेना कि वो तुम्हारा सबसे नजदीक और शुभचिंतक है, वो आपका स्नेही व्यक्ति है जो आपसे ये पूछे कि आपने भोजन किया, नाश्ता किया, क्या आया क्या गया, वो सारी चर्चाएं बाद में होंगी। सबसे पहले आप भोजन करें। और मैं आपको बता दूं, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़कर के भोजन करना चाहिए। आप कितने भी व्यस्त हैं अपने जीवन में, आप भोजन पर जरूर ध्यान दें। और भोजन मीन्स बाजारू भोजन बिल्कुल ना करें, दाल चावल सब्जी रोटी फ्रूट अपने साथ ले जाएं या घर में खाएं। यदि लंबा जीवन चलाना है तो, और बीमार रहना है तो आपकी स्वेच्छा है। प्यार से बोलो, मैं कभी ओलीय भोजन में विश्वास नहीं करता, और मैं कभी किसी पार्टी फंक्शन में जाता नहीं। मैं आपको तो मैं नहीं जाता हूं, मैं हाथ जोड़ देता हूं, भाई मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए भोजन में एनर्जी हो हमें वो भोजन करना है। सतम विहाय, 100 कामों को छोड़कर भोजन करें। और सहस्रम स्नानम माचरेत, 1000 कामों को छोड़कर स्नान करें। बिना स्नान के कभी ना रहें, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। यदि आप स्नान नहीं किए तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारी फिलॉसफी भी कहती है कि आपके जो रोम है ना, यदि ये बंद हो गए छिद्र, तो आपकी श्वास आनी बंद हो जाएगी। श्वास से ही, सिर्फ नाक से ही श्वास नहीं लेते आप, अंदर का जो वाइब्रेशन है वो आपके छिद्रों से बाहर आता है। ये रोम जो है ना, इनमें से बाहर आता है, इसमें जो लेयर जमी हुई है वो स्किन के अंदर से वो बाहर भी आती है। स्नान बहुत जरूरी है। सहस्रम स्नानम माचरे, लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़ करके दान करना चाहिए। 1,00,000 काम करना है तुम्हारा, मन है कि भाई आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं 500 रुपया किसी को देना है, तो आप बिल्कुल दे देना, सोचना नहीं। तुमने कहा आज मैं निकाल देता हूँ, सोच लिया कल दे दूंगा, तो कल 500 नहीं वो 250 रह जाएंगे। तुमने फिर सोचा कि यार मैं अभी करता हूँ दे दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। मंदिर जाने का सोच लिया तो दर्शन करके आ जाओ, दान करने का सोच लिया तो बिल्कुल कर दो, तीर्थ जाना है तो आप सोच लिए तो फिर चले जाओ। तुमने कहा मैं अब जाऊंगा तब जाऊंगा फिर जाऊंगा, तो फिर वो आप नहीं जा सकते। लक्षम विहाय दातव्यम, हमें भागवत सुनना है तो फिर आप सोच लिया ना, तो अब सोचो मत, कर दो, ये तो नहीं होगा। फिर अगली पंक्ति थोड़ा याद रखना मेरी बात कहने से, कोट त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों कामों को छोड़ करके श्री हरि का भजन, श्री हरि का कीर्तन, प्रभु का नाम और भजन, करोड़ों काम हो उनको छोड़ देना और प्रभु का नाम पहले लेना। कोट त्यक्त्वा हरिम भजे, ये श्लोक महाभारत का है। करोड़ों कामों को छोड़कर के भगवान का भजन करना चाहिए और सुमिरन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़ दो और भजन पहले करो। आपने पूजा का नियम बना लिया है ना, नियम बनाना नहीं चलाना भी है। कौन कहता है आप 10 घंटा पूजा करो, आप सिर्फ को प्रभु में आऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, ऐसे करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, चला जाऊंगा बस। लेकिन नियम बना लो कि हाँ मैं करूंगा, मैं नहीं करा 4 घंटा बैठो, मैं स्नान किया, प्रभु आऊंगा, जल लूंगा, सूर्य अर्घ दूंगा, रखूंगा, प्रणाम करूंगा, बस हो गया। भगवान नहीं कहता कि तू 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहे, भगवान तो कहता है कि तू मुझे विस्मृत मत कर, तू मेरे को विस्मरण मत कर, सब काम कर, मुझे भुलावे मत। जब तू मुझे नहीं भुलाएगा तो निश्चित है कि तेरा भजन चल रहा है। और जो भी नियम बना रहे हो आप अपनी मर्यादा के अनुसार बनाओ, जिसको तुम पालन कर सकते हो।
मैं नहीं कहता कि आप 10 घंटा बैठो, 50, बिल्कुल 5 मिनट बैठो साहब, लेकिन सिर्फ आप कहिए, झुकाइए, प्रणाम करिए, बोले प्रभु मैं आ गया, बात खत्म। मैं नहीं बोला कि आप कुली और घर परिवार छोड़ो और राधे 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 राधे, आपको समय है तो स्वागत है, लेकिन नहीं नहीं, शास्त्र इस बात का कभी अनुमोदन नहीं करता है। मैं आपको गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया है हमारे शास्त्रों ने, महिलाओं को सबसे सर्वोत्तम बताया गया हमारे शास्त्रों में। मैं आपको बता दूं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारा ये अनुशासन है वेद का। श्रीमद् भागवत में लिखा कि भगवान कृष्ण जो आज मिलने आए और भगवान ने भोजन किया, और भोजन के बाद जब गए तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण बोले चलो आज घूम कर आते, और जब घूमने के लिए श्री कृष्ण गए तो भगवान कहाँ घूमे, कालिंदिम जमुना के तट पर कृष्ण घूमने चले गए। और जब भगवान जमुना के तट पर पहुंचे ना, तो एक 16 वर्षीय युवती को देखा जो ऐसे बड़ा ऐसे करके भजन कर रहे थे, उसके हर अंग से सौंदर्य का आभास हो रहा था, परम सुंदरी थी। भगवान कृष्ण की नजर उस पर पड़ गई और अर्जुन से कहा कि जरा जाओ पता लगाओ कौन है ये, जाओ। जैसे अर्जुन से कहा कि तुम जाओ, अर्जुन ने कहा सुनो कृष्ण, ये फालतू की बात नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे शर्म लगती है, नहीं जा सकता मैं। कृष्ण बोले नो टेंशन प्लीज, मैं हूं ना, गो, ओके, आप जाइए। अब अर्जुन को प्रेरित कर दिया श्री कृष्ण ने, और अर्जुन वहां पहुंचे। ये बहुत फोटो ले रहा है भाई, ज्यादा मत ले, संग चला जाऊंगा तेरे, फिर मैं प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, फोटो वाले बहुत अच्छे होते हैं बेचारे। शादी किसी की भी हो, लेकिन हमेशा दुल्हन से कहता है मेरी तरफ देखो, शादी उसके साथ हो रही है, वो बीच में टोक के कहता है मेरी तरफ देखो, हर दुल्हन से कहता है मेरी तरफ देखो, बड़ा कमाल है भाई। अब वो कहां देखेगी, नहीं मेरी तरफ देखो, और फिर देखने के बाद और करते लोग, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। ये हमारा बहुत पुराना फोटो खींचता है, कई सालों से सेवा दे रहा है, इसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं जाऊं, मैं नहीं चाहता कि तू आए, कि यहाँ बहुत लोग थे, लेकिन इनका प्यार शर्मा जी से था, मुलाकात इनकी हुई थी, तो बोले आप आ जाइए, नहीं तो ये पूरा शासन का जो काम रहता है, गवर्नमेंट का, पूरे प्रदेश का काम इसको मिलता है। हमारे 2011 या 2012 से है फोटो खींच, लाखों फोटो खींच चुका है, पूरा गवर्नमेंट का काम इसी के पास होता था। जब भी राजीव मेला या गवर्नमेंट का कोई बड़ा आयोजन होता था, 4-5 हमारे आयोजन सरकार ने कराए, सरकार जब आयोजन कराती है तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा व्यवस्थाएं होती हैं, तो उस आयोजनों में इनका बड़ा फोटो खींचने का सहयोग मिलता था। चल कोई बात नहीं, अच्छा है, मोदी जी की जात वाला भैया है, योगी योगी योगी, वो भी बिष्ट और ये भी बिष्ट, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, अच्छा प्यार से बोलो। आज जाकर के अर्जुन ने कहा नमस्ते, यस, हू आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज कालिंदी, ओह गॉड सो स्वीट नेम, आप इस उम्र में तपस्या कर रहे हैं, यस, बट क्यों क्यों, एक्चुअल मैं क्या बताऊं आपके लिए, बट फिर भी थोड़ा सा
थोड़ा सा डिस्कस हो छोड़िएगा, नहीं नहीं प्लीज स्पीकिंग, आप बोलिए। उस युवती ने कहा मेरी एक इच्छा है। एक इच्छा है? यस स्पीकिंग, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारा। तब कहा तुष्यतामेष भगवान, क्या बोली वो महिला, तुष्यतामेष भगवान मुकुंदो नाथ संश्रया। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण मेरे पति हो इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा अच्छा ये बात है क्या। तुरंत श्री कृष्ण से निवेदन किया कि गोविंदी तो आपको पति बनाना चाहती है। कृष्ण बोले ऐसी बात है क्या, चलो। कालिंदी की उंगली को पकड़ा है, रथ में बिठाए हैं और सीधे द्वारिका को प्रस्थान किया है। बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारे यहाँ पुराने जमाने से लड़कियां शादी से पहले व्रत उपवास करती हैं, शंकर जी को नहलाती, माघ महीना कार्तिक महीना नहाती, प्रार्थना करती, अच्छा वाला पति देना प्यार से बोलो। शायद यहाँ कोई महिला हो जो ये सब पूजा उपवास ना की हो, प्यार से बोलो। हमारे यहाँ जब बहनें नहाती थी तो हम लोग भी जल्दी जग जाते थे उस समय, माघ महीना में तो हम लोग नहा लिया करते थे। मैंने कई बार माघ नहाया हूँ। गंगा जी बहुत पास होती थी, हम जहाँ पढ़ते थे ना गुरुकुल में, गंगा जी वहाँ से पास होती थी, तो हम लोग क्या है जब नहाना ही है तो दो घंटा पहले नहा लो, पुण्य मिलता है तो और पहले नहा लो। नहाना तो है ही है, दो घंटे बाद या दो घंटे पहले, तो पुण्य मिल रहा है तो पहले नहा लेते हैं। तो कई बार माघ महीना हम स्नान किए। तो श्रीमद् भागवत में लिखा कि श्री ठाकुर जी का पंचम विवाह कालिंदी के साथ हुआ, षष्ठम विवाह नागनजीति के साथ हुआ और सप्तम विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। बिंद और अनुविंद नाम के दो राजा थे, इनकी एक बहन थी मित्रविंदा और उससे कहा था कि स्वयंवर होगा लेकिन दूल्हा फिक्स है। मतलब बोले दुर्योधन, जय माला जो पहना है पहना ना है वो दुर्योधन के गले में पहना ना, बाकी सारा तो अभिनय मात्र है। राजा आएंगे, स्वयंवर होगा, नाटक होगा, पार्टी होगी, लेकिन दूल्हा फिक्स है। आज शादी से पहले पूछना पड़ता है तुम्हारी कौन सी शादी है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव विद अरेंज मैरिज या कोई चौथी और है, प्यार से बोलो। हमारे वैसे आठ प्रकार के विवाह बताए, हमारे यहाँ आठ प्रकार के विवाह, विवाह की श्रेणी क्या है, आठ प्रकार के विवाह हो सकते हैं, लेकिन मैं आठ प्रकार के आपको नहीं बताऊंगा कि जोश आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। तो आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, आज स्वयंवर हुआ, राजा लोग आए और दुर्योधन को कन्फर्म पता था कि शादी तो मेरी ही होनी है, जयमाला मेरे ही गले में पड़ना है। ये तो फर्स्ट चेयर में बैठा था, सूट वोट टाई वाई पहन के मस्त फेसल वेसल करा के अपना, और फर्स्ट चेयर में बैठा था और हुआ क्या, बाजू वाली चेयर पर द्वारकाधीश कृष्ण आकर बैठ गए। महाराज क्या बताएं, आप कब तक सुंदर हो, जब तक पड़ोस में कोई सुंदर नहीं है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। अब जैसे ही वो जयमाला लेकर के निकली, जयमाला का रूल होता है कि सभी राजाओं के पास जाना होता है, ऐसा नहीं कि आप गए और माला, ना ना ना, उसमें रूल है हर राजा के पास जाना, हर व्यक्ति के पास जाना, हर शख्स के पास जाना, पहुंचती जा रही है, देखती जा रही है, कमेंट करती जा रही है वो, और अंतिम चरण में जो कहा था उसके लिए दुर्योधन के पास जाना था। जैसी वहां पहुंची वो जयमाला उसको पहनाना ही था और ऐसे जब डाला तो इसकी तिरछी नजर द्वारकाधीश कृष्ण पर पहुंची, जैसी देखा ना, ओ गॉड, और तुरंत जो माला इधर पड़नी थी ना, प्यार से बोलो, और जयमाला द्वारकाधीश के गले में पहना दी। सभा मंडप को देखता रहा
और दुर्योधन का चेहरा तो सही में देखने लायक था। बेचारा कितना उम्मीद से आया था, धोखा हो गया। प्यार से बोलो, श्रीमद् भागवत में लिखा कि पंचम षष्ठम विवाह नागनजीति के साथ, सप्तम विवाह भद्रा के साथ, अष्टम विवाह लक्ष्मणा के साथ कृष्ण की अष्ट पटरानियां थीं। और भागवत कहती है एक भौमासुर नाम का राजा था। उस राजा ने संकल्प किया था 20,000 युवतियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह रचाऊंगा, और नगर में जितनी सुंदर युवतियां होती थी कारागृह में बंद करता था। आज कृष्ण को पता चला इंद्र के द्वारा प्रेषित समाचार और वध किया भौमासुर का, और भौमासुर का वध किया और तुरंत कारागृह को खोला, तो उसमें से 16,100 कन्याएं निकली उस कारागृह से। भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, थैंक यू आप सबके लिए, वो पापी मारा जा चुका है, आप अपने अपने घरों को बिल्कुल जा सकती हो, स्वतंत्र हैं आप, प्लीज आप जाइए, वो मारा जा चुका है। सारी युवतियां तो कृष्ण को देखने लगी और कहा, सुनिए सच बताएं, हाँ इस दुनिया में हमारा अब कोई नहीं है। दुनिया में कौन पुरुष होगा जो हमसे शादी रचाएगा? सब तो जानते हैं ना, हम लोग कारागृह में रहकर आए, हमें कौन स्वीकार करेगा? और कृष्ण, परिवार के सदस्यों को हम पहचानेंगे नहीं, अब बरसों हो गए, वो भी हमें अपने घर में स्वीकार करें ये कोई निश्चित बात। और एक बात कहें कृष्ण, हाँ सच तो यह है कि इस दुनिया में हमारा अब कोई नहीं है। कृष्ण कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका तो मैं होता हूं। प्यार से बोलो, और सारी युवतियों ने एक ही गले एक ही मुहूर्त में 16,100 महिलाओं ने कृष्ण के गले में जयमाला को पहना दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान, कैसा लग रहा है? गुड फील हो रहा है? प्यार से बोलो, आइए एक छोटा भजन का आनंद ले लें, आज समय का अभाव है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम
तेरे कर्मों का इशारा न होता, thank you.
कृपा
दुनिया में कोई हमारा न होगा, ओ दुनिया में कोई हमारा न होगा, ओ दुनिया में कोई हमारा न होगा। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, श्रीमद्भागवत महापुराणे।